वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई महबूब और आप देख रहे हैं महबूब इन्फो। दोस्तों, अगर आप कुवैत आना चाहते हैं, न्यू ड्राइवर है तो आप आइए, आप अपना फुल कॉन्फिडेंट लेके आइए। न्यू ड्राइवरों के लिए इतना कठिन रास्ता नहीं होता है, आसान होता है। न्यू ड्राइवर आ सकते हैं, यहाँ ड्राइविंग कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी चलाना दोस्तों आसान है, इतना कठिन नहीं है। बस आपको अपना हौसला रखना पड़ेगा। और रिटेनर और न्यू को मैं बराबर समझता हूँ, क्योंकि जो रिटेनर ड्राइवर है ना, जब कुवैत आया था नहीं, वो ही एक नया ड्राइवर था। लंबी लंबी फेंकने से कुछ नहीं होता है। बोला 50 साल गाड़ी चला ली, 15 साल गाड़ी चला ली, कुछ नहीं होता है। जब आपका बैड लक होगा तो आपको कोई भी पीछे से ठोक के चला जाएगा बस। तो इसीलिए आइए, अपने सपने सच कीजिए। और ये वीडियो नए ड्राइवरों के लिए है, और पुराने ड्राइवर भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि रोड वगैरह उनको भी समझ में आ सके, इशारा किसे कहते हैं, गता किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की। गता, गता उसको बोलते हैं ब्लॉक को, इशारा यानी उसके अंदर गली है उसको बोलते हैं, और मकान नंबर जो उनका घर है उसको बोलते हैं। तो लव यू दोस्तों, बढ़ते आगे। ये है माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये है राउंड अप बोर्ड। यहाँ पर आपको गाड़ी को कैसे रखना है आप देख लीजिए। वो आपको इंतजार कर रहा है आपकी गाड़ी निकलने का। अगला ये देख लो, ये दोनों गाड़ी है, इंतजार करेगा आपका गाड़ी निकलने का। ये दोनों ने किया। अगर आपको राइट जाना है तो राइट का इंडिकेटर ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 लाइन है, ठीक है। आगे रोड पे काम चल रहा है तो ये तुरंत ही 2 लाइन होने वाली है, तो आपको पहले से ही नजर में रखना है कि आगे जाके मेरी जो रोड है वो 2 लाइन होने वाली है, तो मुझे 2 लाइन में ही गाड़ी रखना है। पहले से तो 3 लाइन है, तो क्या है कि अगली गाड़ी अगर ज्यादा नजदीक में है तो अपनी गाड़ी का हल्का सा ब्रेक पकड़िए और उसके आधार पे निकलिए। फिर आगे आइए राउंड अप बोर्ड आगे, जो कि अगर राउंड अप बोर्ड पे अब आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि हमारी लेफ्ट या राइट साइड में कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ही आपको निकाले, वरना गाड़ियों को जाने दीजिए, बाद में निकालिए दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों कोई परेशानी नहीं हो। ये जैसे ही गाड़ी निकली, मैंने गाड़ी अपनी निकाल दी। ऐसे ही आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखना है कि कुछ लोग ऐसे गधे होते हैं जो बिना सोचे समझे ही अंदर एंट्री कर लेते हैं। अब ये आपकी 2 लाइन ही चल रही है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। और ये कुवैत कंट्री के अंदर, और मैं कहूं गल्फ कंट्री के अंदर, 24/7 चलता ही रहता है। यानी कभी भी ये रोड का काम बंद नहीं होता है, यहाँ पे हर जगह रोड का काम चलता ही रहता है। ये बनेगा, दूसरी जगह बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से दोस्तों रोड का काम चलता रहता है, ठीक है। अब फिर आ गया ये राउंड अप बोर्ड। यहाँ आपको बहुत ड्राइवर होते हैं इसके अंदर जाके ब्रेक कर देते हैं, राउंड अप बोर्ड के अंदर ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक दिया और पीछे वाले ने आपकी गाड़ी को टच कर लिया तो आपकी गलती मानी जाएगी। फिर यहाँ पे 2 लाइन है, आराम से चलो यार, किस बात की टेंशन। बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? दिल के अंदर जो डर है ना, वो निकाल फेंको बाहर यार। यहाँ पे इतनी सारी आलीशान रोड, आपको गाड़ी के पीछे पीछे जाना है, बस मजे से रखो ना गाड़ी यार। यहाँ पे देखो आप, ये आपको मजे से आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बिंदास होके ड्राइविंग करो। यहाँ आगे, ये आगे अपना, अब बोलते हैं इसको जंप बोलते हैं, और इधर बोलते हैं मतब्बा। ये मतब्बा आ गया तो मतब्बा पे हल्के से गाड़ी को आप निकालो, ताकि आपके अंदर अगर लेडीज बैठी है या जेंट्स बैठा है उनको तकलीफ ना हो। अब ये देख लियो, सीधा निकल जाओ राउंड अप बोर्ड से। आपको जहां जाना है, आपको जहां गूगल मैप कहता है वहां निकलो। कितना आलीशान लोकेशन है, कितना आलीशान आपको मकान देखने को मिलता है, आगती पागती नजरें जाती है, क्या क्या नहीं देखना पड़ता। आप एक मिनट के लिए सोचो कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो ना दोस्तों, तो आप दिन भर आपको ऑफिस के अंदर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपका ड्राइवर का ड्यूटी लग गया, आप किधर भी जा सकते हो, हर चीज आपको नई नई देखने को मिलेगा। अगर आप किसी से, 2 लोगों से भी मिलोगे तो वो लोग नए मिलेगा, नई बातें मिलेगी, नई पहचान मिलेगी, नई चीजें जानने के लिए आपको मिलेगा। और क्या चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा हौसला रखोगे ना, आप गल्फ कंट्री में कहीं भी गाड़ी चलाने आओगे ना, आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। आप आराम से चलाइए दोस्तों, बिंदास होके
बस आपको एक लाइन पकड़ लेनी है, मजे से जाना है। अब अगर आगे आप, ये आपका इशारा आ गया जो कि आपको देख रहा है, ऑलरेडी आपको रेड लाइट बता रहा है, आराम से गाड़ी के पीछे जाके आराम से अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। अगर ज्यादा देर तक ये रास्ता है तो गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए। अब न्यूट्रल करने से दोस्तों ये होता है, अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हो ना, तो न्यूट्रल करने से दोस्तों ये होता है कि आप गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी नहीं, आप रेस से भी पैर छोड़ सकते हो, नहीं है तो पार्किंग में कर लीजिए। आप पार्किंग में डाल के रखो जब तक कि इशारा ना खुले तक, अगर इशारा खुल जाए तो पार्किंग से गाड़ी निकाल के आप ड्राइविंग मोड पे डाल दो। दोस्तों कुछ है ना चीजें होती है ना, खुद को करनी पड़ती है, ना कि मतलब किसी के भरोसे रह के करनी पड़ती है। अगर आप गलत कंट्री में कहीं भी ड्राइवर के वीजे में आ रहे हो, शायद कंपनी के आओ या हाउस ड्राइवर में आओ, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपका वीजा ड्राइवर का है तो आपको दोस्तों ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिंदास होके गाड़ी चलाओ, नो टेंशन होके गाड़ी चलाओ। इजी है, एक साइड तो जाना है यार, बस ये है कि हम किसी अगले गाड़ी वाले को टच ना करें, हमारी गलती ना होनी चाहिए, बस यहाँ कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बातें फैलते हैं कि हमने 10 साल ड्राइविंग करी, 40 साल ड्राइविंग किया, भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप 50 साल यहाँ ड्राइविंग कर रहे हो, आपके पीछे कभी कभार पीछे वाला ठोक देगा आपको, आपकी 50 साल की ड्राइविंग कुछ भी काम नहीं आएगी। यहाँ किसी को घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे जा रहे हो कैसे जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप गलत हुए, थोड़े से आप गलत हुए तो पीछे वाला आपको ठोक के चला जाएगा, फाड़ देनी मार देगा बिना सोचे समझे। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी गाड़ी महंगी है ये है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस वाला पैसा भरता है। अभी ये बत्ती ग्रीन हो गई, आप निकल जाओ आराम से, बस मजे से निकलो यार, आप आराम से आके यहाँ ड्राइविंग कर सकते हो। बहुत लोगों को मैंने इंटरव्यू में लिया हूं और बहुत लोगों के अंदर डर फैला हुआ है। मैंने एक बंदे का खुद एक हफ्ता साथ रह के उसका डर भगा दिया, आज आलीशान गाड़ी चलाता है, जो मुझे बोलता है कि मैं 100 जाता हूँ, 120 जाता हूँ, जितनी रोड की स्पीड होती है हर चीज समझ में आ गया। बंदा गूगल मैप के जरिए चलता है सारी चीजें, यहाँ पे गूगल मैप आपका दोस्त की तरह काम करता है। और बताओ, पुराने जमाने में ड्राइवर आते थे उनको सब सिखाया जाता था, आप कल आते हो ना यहाँ पे, आपके साथ कोई भी ऐसा भाई नहीं है कि जिसके पास एक इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं मिलता है, हर भाई के पास इंटरनेट वाला मोबाइल है। अपना गूगल मैप ऑन कर लो, बस निकलो यार, रोड शानदार रोडे है, आलीशान चीजें देखने को मिलती है, हर चीज आपको देखने की मिलती है। फिर भी यार कमेंट करते हो कि महबूब भाई हमें गाड़ी चलाते वक्त डर लगता है, यार मर जाओ जाके यार कहीं भी। तुम्हें इतनी बड़ी रोड, इतनी आलीशान रोड और करने से अगर कहीं आपको रेतीले मैदान पे दे दे तो आपको क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ करना है तो अपने आप को बदलो, किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में कुछ करने के लिए कभी कभार खुद को सही की जगह गलत और गलत की जगह सही साबित करना पड़ता है। अगर ये चीजें कर लेना दोस्तों, लाइफ में उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना, आपके अंदर का जो डर एक बार निकल गया ना, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी ये आपको राइट बता रहा है, आपको राइट जाना है, आप राइट चले आइए, इतनी शानदार रोड है। फिर आपकी ये रोड आ गई, 4 लाइन आ जाएगी, कहीं 6 लाइन आ जाती है, कहीं 8 लाइन आ जाती है। ये 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड दी रखी है, आगे कैमरा है तो अपने 80 की 80 चलिए, 80 में की 85 तक कैमरा नहीं मारता है आपका। लो बताओ, मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 85 है तो आपका कैमरा नहीं मारेगा। तो हर चीजें दोस्तों कोई नहीं सिखाया जाता है, कुछ चीजें हमें खुद सीखना पड़ता है, कुछ चीजें हमें खुद को बदलना पड़ता है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है, लेकिन सबको अपना बनाना पड़ता है। ये गलत कंट्री है, कोई किसी का नहीं है दोस्तों। आप काम करोगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना कुछ करे हुए भी मिल जाएगा, तो ये लाइफ में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इतनी शानदार रोडे, इतनी बड़ी गाड़ी, अगर आप सपने देख रहे हो तो नए भाइयों को कहूंगा कि फ्रेशर हो, लेकिन हिम्मत ये रख के आओ कि हम रिटेनर हैं, जा रहे हैं कुछ करके आएंगे लाइफ में। बिना कामयाब होए लौटेंगे नहीं, साले कुछ भी हो जाए। अब जो होना है होना ही है, क्योंकि एक दिन दुनिया को अलविदा सबको कहना है यार, तो किस बात का डर। अगर
किसी के सहारे रहोगे और किसी के भरोसे रहोगे कि हो हमारा काम करवा देगा, ये करवा देगा, तो आप जिंदगी भर उनके भरोसे ही रह जाओगे। इस जिंदगी में रिस्क लीजिए, उठिए, ये देख लीजिए आराम से गाड़ी जा रही है अपनी लाइन वाई लाइन, मेरे को भी एक लाइन, मैंने भी पकड़ी रखी है और आराम से जा रही है। अब ये देख लीजिए मेरी गाड़ी जो जहाँ जाती है नहीं, आपको देख लीजिए लाइन के अंदर रहती है, मैं कहीं से भी टर्न लिया हूँ लाइन के अंदर गाड़ी है। लेकिन हो सकता है मेरी गाड़ी लाइन से साइड में भी आ सकती है, क्योंकि मैं एक 5 साल का अनुभव आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी किधर भी जा सकती है, क्योंकि मैं राइट लेफ्ट किधर भी निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 5 साल का अनुभव है मेरे पास। तो इसीलिए नए ड्राइवरों को सोच समझ के ड्राइविंग करनी चाहिए, इतना कठिन काम नहीं है जितना आप सोच रहे हो दोस्तों। बस आपको कुछ करने के लिए अपने सपनों को, अपने नींदों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में जो इंसान कामयाब हुआ है ना, उसके पीछे कामयाबी क्या राज, सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं है। ये देखो ग्रीन येलो लाइट आ गई है और रेड लाइट आ गई, येलो लाइट में आप नजदीक हो तो निकल सकते हो, लेकिन मैं ये भी एडवाइस दूंगा कि आपको येलो लाइट में नहीं निकलना है। तो लव यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए हमारा वेट, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए फिर एक बेस्ट वीडियो लाके आपके सामने रखेंगे, क्योंकि दोस्तों परेशानी हर भाई की जिंदगी में आती है, लेकिन जो परेशानी से लड़ता है ना वही सबसे बड़ा इंसान, महान होता है। तो लव यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि सही बोला है भाई ने, तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने भाई को कमेंट करके बताएं कि भाई आप परफेक्ट हो।